इंदौर पुलिस ने शहर में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ही गिरोह के 4 सदस्यों को अपनी गिरफ्त में लिया है। पुलिस के मुताबिक बदमाश सोने पड़े मकान पर चोरी की वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक दो पहिया वाहन और धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। मामला खजराना थाना क्षेत्र का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग यहां किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने यहां पहुंचकर घेराबंदी की और 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से धारदार हथियार भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह इलाके में मौजूद एक रिटायर्ड अधिकारी के सूने पड़े मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, लेकिन इसके पहले ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़ाए सभी आरोपी आदतन अपराधी हैं और शहर के कई थाने पर उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से धारदार हथियार और चोरी की एक बाइक बरामद की है। वहीं पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। दिनांक 10/11/2022 को की दरमियानी रात को सूचना मिली कि कुछ लोग स्कीम नंबर 134 पानी की टंकी पर बैठकर चोरी करने की योजना बना रहे हैं, जिस पर से पुलिस टीम द्वारा वहां पर दबिश दी गई। वहां पर 4 व्यक्ति मिले, जिनसे एक चोरी की मोटरसाइकिल और चोरी में प्रयुक्त होने वाला मशरूका जब्त हुआ है। ये खजराना निवासी हैं और इनके पूर्व में भी चोरी के अपराध रहे हैं। इनमें एक हमीद खान, फिरोज इकबाल और आशिम अली ये आरोपी हैं। ये नशे के आदि हैं, तो नशे की लत को लिए चोरी करते हैं। लगातार इन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है।